सम्मोहन शक्ति है क्या? वास्तव में सम्मोहन शक्ति जो है वो हमारे अंदर की ही शक्ति है जो प्राकृतिक रूप से किसी व्यक्ति को आकर्षित करने में मदद करती है। प्राकृतिक रूप तक तो ठीक होता है, लेकिन जब साधक त्राटक साधना करता है तो यह शक्ति जिसका परसेंटेज 5% होता है वह 50% तक बढ़ जाती है। और यह अभी तो प्राकृतिक से आकर्षण का केंद्र थी, अब जो है वो शक्ति का रूप हो गई है, यानी हर किसी को आकर्षित करेगी, हर किसी को अपनी तरफ खींचेगी। यह शक्ति धीरे धीरे जब बढ़ती जाती है तो साधक में सिद्धियाँ, ध्यान, समाधि जैसी अवस्थाएँ विकसित होने लग जाती, क्योंकि शक्ति का जो मूल होता है वो समाधि और सिद्धि के लिए होता है। और लोग इसी के लिए भटक रहे होते हैं, बड़ी बड़ी क्रियाएँ कर रहे होते हैं, बड़े बड़े तरीके यूज़ कर रहे होते हैं, लाखों करोड़ों मंत्र जाप कर रहे होते हैं, पर उन्हें मिलती नहीं है, क्योंकि मूल जो है वह अपनी आत्मशक्ति बढ़ाना भूल जाते हैं, बाकी सारी क्रियाएँ कर लेते हैं, बाकी सारे हवन विधि विधान कर लेते हैं। तो मूल जो है वो है आत्मशक्ति। आत्मशक्ति बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका जो है वो सबसे सरल तरीका जो है वो त्राटक है। तो इसीलिए साधक को त्राटक साधना करना चाहिए, अपनी आत्मशक्ति बढ़ाना चाहिए, क्योंकि शक्ति ही सब कुछ करती है, शक्ति ही सिद्धि कराएगी, शक्ति ही ज्ञान देगी, शक्ति ही तुम्हें मोक्ष कराएगी, क्योंकि किसी भी मजबूत चीज़ को तोड़ने के लिए शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। भक्ति अपनी जगह होती है पर शक्ति का मुकाबला वो नहीं कर सकती। इसीलिए जिसके पास शक्ति होती है उसके पास भक्ति होती है, और जिसके पास भक्ति होती है उसको सिद्धि होती है। शिवम।